हेलो फ्रेंड्स, मैसेल एजे। आज हम देखने वाले इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ एन विजुअल स्टूडियो। ओके, ये प्रोसेस हम क्यों देखेंगे? बिकॉज ऑफ इस इंस्टॉलेशन के बाद हम हमारा एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले, दैट इज एन विजुअल स्टूडियो। ओके, सिंपल जो प्रोग्रामिंग होगी हमारी विजुअल स्टूडियो के रिगार्डिंगली, बेसिक कंसोल एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करेंगे, देन वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स के ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले। तो उसके लिए बेसिक हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज एन विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो का सेटअप यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इफ़ आपको रिक्वायर्ड होगा ये सेटअप, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका जो स्पेस है कितना है, दैट इज एन 2.23 GB। तो इतनी फाइल्स आपको यहाँ पे क्या करनी है, डाउनलोड करनी। तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेस आपके सिस्टम या इंटरनेट के अंदर डेटा उतना होना चाहिए। अभी आप इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते इसके प्रोसेस, फिर डबल क्लिक करके इसको ओपन करो। तो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के अंदर एक पाथ आपको दिख रहा होगा, सिस्टम नाम का फोल्डर। ओके, सो डबल क्लिक ऑन सिस्टम। After that, select a file that is a system.exe. Okay, system.exe जो हमारी 22.376 साइज है उसकी, सो वो फाइल हमें सिलेक्ट करनी है। डबल क्लिक ऑन दैट फाइल। ओके, देन जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो जाएगी स्टार्ट। तो प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा जो एक्चुअल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। या आप फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से करना है। देन नेक्स्ट जो सेटअप वाला ऑप्शन आ गया, क्लिक ऑन एस फॉर परमिशन फॉर इंस्टॉलेशन। देन पैकेज एक्सट्रैक्ट होंगे, पैकेज एक्सट्रैक्ट के बाद आपका जो स्क्रीन आएगा फॉर एन इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो। तो इसको थोड़ा सा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, इफ आपका सिस्टम अच्छा होगा सो ये टाइम नहीं लेगा, तो सिस्टम स्लो होगा सो इट टेक्स अ टाइम टू इंस्टॉल। के कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन जो राइट साइड में नीचे आपको दिख रहा है डाउन साइड में, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन के बाद यहाँ पे आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, एंड एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। देन यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंगली कस्टमली चाहिए होगा तो कस्टमली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट हमें सभी फीचर्स यूज होने वाले तो उस फीचर्स के अकॉर्डिंगली हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल। सो जो डेटा जितना रिक्वायर्ड होगा किया, जैसे कि यहाँ पे 6.4 GB पूरे विजुअल स्टूडियो को सेटअप के लिए रिक्वायर्ड होने वाला है, तो उतना स्पेस यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क के अंदर होने चाहिए। देन ये जो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे विजुअल स्टूडियो के, सभी कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल होने वाले, तो इट्स टेक अ टाइम टू अ 20 to 30 minutes। इफ आपका सिस्टम फास्ट होगा तो 15 मिनट में भी कंप्लीट होगा, इफ आपका सिस्टम स्लो होगा सो इट्स टेक्स अ 1 hour। ओके, तो नॉर्मल रेंज इसका क्या है, 20 to 30 minutes में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। सो ये कंप्लीट होने तक हम हमारा वीडियो थोड़ा सा स्किप करेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस एज इट इज होती रहेगी। ओके, तो इतने में ही आपको इतने स्टेप्स आपको परफॉर्म करने फॉर एन इंस्टॉलेशन पर्पज, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल ऑप्शन होगा या सिंगल स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी है, तो कौन सी स्टेप है उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। देन जो ऑप्शन सभी को हमें पता होगा कि फर्स्ट ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट है, जैसे जनरिक, ओपन प्रोजेक्ट के नंबर्स ऑफ ऑप्शन आपको वहाँ पे आ जाते हैं कि कौन से टाइप से आपको विजुअल स्टूडियो सिलेक्ट करना है या स्टार्ट करना है, वो भी हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स ऑफ जो कंपोनेंट्स है, सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे रन होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, देन ही हम कोई भी एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो ए स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि विजुअल स्टूडियो
2010 अनलिमिटेड, ये फाइल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फाइल है तो इट्स टेक अ टाइम, अदरवाइज बाकी के जो टूल्स एंड कंपोनेंट है वो फास्ट वे में इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट वाले होंगे वो फास्ट वे में इंस्टॉल होने वाले, तो फास्ट वे में हो रहे, इसके लिए टाइम नहीं लग रहा या फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं किया, जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट है इसके लिए फास्ट वे में वहाँ पे इंस्टॉल हो रहे। वेट करते थोड़ी देर तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टेक ऑलमोस्ट 6 to 7 फाइल एंड इस कंप्लीट हो जाएगा। ओके लास्ट टू फाइल्स विजुअल स्टूडियो एडियो डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स एंड लास्ट फाइल हेल्प व्यूअर के कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो हेल्प व्यूअर भी इंस्टॉल हो रहा है लास्ट वाला। तो हेल्प व्यूअर इन द सेंस जो भी हेल्प का ऑप्शन आपको पता है ना फाइल्स के बाद, ये तो सक्सेसफुली विजुअल स्टूडियो 2010 हैज बीन इंस्टॉल एंड सेटअप कंप्लीटेड। देन क्लिक ऑन फिनिश के आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन सिंपली हमें क्या पे जाना है, स्टार्ट में जाना है। ये स्टार्ट मेनू के यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज एन विजुअल स्टूडियो। ओके विजुअल स्टूडियो 2010 क्लिक ऑन ओपन। ओके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे सो इट्स टेक अ टाइम। देन नेक्स्ट इसके अंदर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला। ओके तो दैट इज एन जनरल डिप्लॉयमेंट एंड सेटिंग, जनरल पर्पज के लिए हमें यूज करना है, तो उसके रिगार्डिंगली जो जनरल वाला सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। ओके उसके बाद हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके और एक चीज इसके अंदर जैसे कि बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि एक बार हमने ऑप्शन सिलेक्ट, जैसे हर एक को क्वेश्चन होता है कि एक बार हमने स्टार्ट कर दिया देन अगेन उसको चेंज कैसे करें। ओके तो उसके लिए वो हमने भी करके रखा है चेक करके, तो वो आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सिंपल आपको सेटिंग्स में जाना है एंड वो सेटिंग चेंज करना है, तो सेम ये जो ऑप्शन है वो आपको अपीयर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा विजुअल स्टूडियो अनइंस्टॉल करते हैं, नंबर्स ऑफ फाइल कोई फाइल मिसिंग हो गई सो एरर्स क्रिएट होता है, तो इसके लिए आपको सिंपल एक सेटिंग्स बता देता हूँ स्टार्ट होने के बाद एंड आप उसके अकॉर्डिंगली ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। ओके सो विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया, इन द सेंस आपका विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। देन सिंपल सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है टूल्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग। यहाँ पे जैसे लाइक रीसेट ऑल सेटिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। यस इसको आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो या अदरवाइज नो जस्ट रीसेट। एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन आए थे सेम आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जनरल पर्पज रखना है प्रोजेक्ट विजुअल बेसिस सी शार्प सी प्लस प्लस एफ शार्प वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट कोड ओनली। ओके आपके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इन द सेंस जो फर्स्ट वाला स्क्रीन आया था हमें फर्स्ट टाइम स्क्रीन जो अपीयर होता है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जनरली पर्पज ही रखना है, इसके लिए कोई चेंजेस नहीं। इफ आपको चेंजेस करने हैं तो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं एंड उसको फिनिश कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी एंड आपका विजुअल स्टूडियो रेडी टू यूज। ओके तो इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी हो गए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं एंड जो नेक्स्ट हमारा कंसोल एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन का सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो के बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।